दीक्षा कितनी देर कर दी? 10 बज रहे हैं, तो मौसम भी खराब हो रहा है। पापा वो एक ब्राइडल मेकअप का आ गया था, इसीलिए लेट हो गया। अभी बस निकल ही रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। हर जख्म का मरहम होता है, दिल पर लगी ठेस का भी समाधान हो सकता है। अगर किसी घाव को बिना मरहम ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो घाव नासूर बन जाता है, और अगर वो घाव रूह पर है तो पीड़ा का स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। समझदारी कहती है कि किसी भी चोट को, चाहे वो शरीर पर लगी हो या फिर दिल और दिमाग में बस गई हो, उसे नासूर बनकर घर मत करने दो। बोला, ये प्रसाद बांट दो सब में जी। उधर भी देना। अखिलेश जी, अब तो आप रिटायरमेंट ले ही लो, अर्जुन ने तो आपका सब काम संभाल लिया है। हाँ बात सही है, सारा काम अर्जुन ही देख रहा है। अंकल मैं बस पापा के काम में हाथ बटा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सारा काम तो अभी भी यही करते हैं। बस खाना लगा ही रही हूँ, खाकर जाना। खुद कब तक ऐसे ही काम करती रहेगी? बहू लिया, काम में हाथ बट जाएगा। हाँ हाँ, अब अर्जुन की शादी करवा ही दो। कब तक ये सुबोध के चक्कर में ऐसे? सुबोध, ये कोई वक्त है आने का? हाँ, तुम्हें बताया था पूजा सुबह 8 बजे से। 1 बज रहे हैं। रहने दीजिए जनाब। अरे क्या, रहने दीजिए। सुबोध जा, अंदर जाओ और हाथ मुंह धो ले, मैं प्रसाद लेकर। क्या माँ, तुमको मैंने कितने बार बोला ये भगवान और पूजा के ढोंग में मुझे मत शामिल किया करो, तुमको समझ में नहीं आता क्या? सुबोध, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? यही तरीका है तुम दोनों से बात करने का, क्योंकि और कोई तरीका तुम दोनों को समझ में नहीं आता। तुम्हें पापा, सुबोध भाई संभालो अपने आप को, अंदर चल के बात करते हैं। आ गया मेरे माँ बाप का लाडला बेटा मुझे समझाने के लिए। तू ना पहले खुद को देख, फिर मुझे समझा। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो यह नाटक धरा का धरा रह जाएगा। अरे आ रही हूं भाई, क्यों इतनी घंटी मार रहे हो? तुम अभी पूजा खत्म हो गई क्या? जब से आए हो परेशान लग रहे हो, घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। तुमने हमारे बारे में घर पे बात की? अर्जुन, हमें कभी ना कभी तो घर पे बताना पड़ेगा ना कि हम शादी कर चुके हैं। बता दूंगा यार, पहले सुबोध भाई की हरकतों से फुर्सत तो मिले सबको। सुबोध भाई फिर पी कर आए थे? सारे मेहमानों के सामने ही शुरू हो गए। होश में ही नहीं होंगे। पूरे होश में थे यार। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो ये नाटक धरा का धरा रह जाएगा। छोड़ो, अभी किसी और चीज के बारे में बात करते हैं प्लीज। किस बारे में बात करनी है तुम्हें? दिशा सक्सेना, आपके नाम का लेटर है।
कहीं जा रहे हो? हाँ, घर जा रहा हूँ। अब तक तो सुबोध भाई का नशा भी उतर गया होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा घर में। पापा वो एक ब्राइडल मेकअप का आ गया था, इसीलिए लेट हो गया। अभी बस निकल ही रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ पापा बोलो। कहाँ पहुँचे? बस पापा आ रहा हूँ मैं, 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अच्छा पापा मैं अभी फ़ोन रखता हूँ ना, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। अरे ये क्या हालत हुई तुम्हारी? कहीं एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं बस पैर फिसल गया था पापा पानी में। का नाम अर्जुन लांबा है, उम्र 28 साल। इसकी कार से इसका वॉलेट मिला है, यही विलासनगर का रहने वाला है, बंगलो नंबर 34। फैमिली कंफर्म किया? हाँ सर कर दिया। कार के ऊपर एक्सेल्स मिले हैं, इसने कार पे जानबूझकर अंडे फेंके ताकि अर्जुन कार से उतरे और किलर इसका मर्डर कर सके। कौन है बेवकूफ? इसका मोबाइल फोन मिला? नहीं सर। ये एक प्लान मर्डर लग रहा है, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। दिशा, दिशा बेटा उठ जा, 9 बज गए। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं हुई क्या? हुई ना पापा, सो ही थी मैं तो। बेटा बहुत थकी हुई लग रही हो तुम, चलो बाहर आ जाओ, मैंने कॉफी बनाई है। आप चलिए ना, मैं बस 5 मिनट। तो उठा क्यों नहीं रही हो? किसका फोन है? कुछ नहीं पापा, अननोन नंबर है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों का होगा। आप चलिए ना, मैं बस अभी आई। अर्जुन मेरा बेटा, अर्जुन आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमारा बेटा मारा गया है, जिसने भी मेरे अर्जुन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्लेश जी शांत हो जाइए, इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, लेकिन अर्जुन के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अर्जुन कल रात कहाँ गया था? वो देर रात तक अपने अपने दोस्तों के साथ था। मेरी करीब 11 बजे उससे बात हुई, वो बोला पापा 20-25 मिनट में घर आ रहा हूँ, और फिर उसका फोन बंद हो गया। हमें लगा कि शायद वो वापस पार्टी में चला गया हो, शायद उसका फोन वहां जाकर बंद हुआ हो। अर्जुन की किसी से कोई दुश्मनी? हाल फिलहाल में उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ? अर्जुन झगड़ा करने वाला लड़का था ही नहीं, वो सबके साथ अच्छे से बात करता था। काम क्या करता था अर्जुन? दिल्ली में हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस है, लांबा प्रिंटिंग, और दिल्ली और गुरुग्राम में पुरानी प्रॉपर्टी और कुछ शॉप्स हैं जो रेंट पे दी हुई है। अर्जुन पहले से ही रेंट कलेक्ट करने का काम संभालता था, और पिछले 1 साल से प्रिंटिंग प्रेस का भी काम संभालने लगा था। अखिलेश जी जान सकता हूँ आपके घर में और कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी, बड़ा बेटा सुबोध। तो आपका बड़ा बेटा सुबोध वो कहाँ है, वो नहीं आया? सुबोध कल शाम को ही कुछ काम से गुजरात चला गया, उससे बात हुई है, कुछ देर में आता ही होगा। आपके दोनों बेटों का आपस में रिश्ता कैसा था? ये कैसा सवाल है, दोनों सगे भाई हैं, छोटे मोटे झगड़े होते थे,
तो आपको लगता है ऐसा कोई नहीं था जो आपके बेटे की जान लेना चाहता था या उससे नफरत करता था? जान लेना तो नहीं पता, पर वो नीलिमा। ये नीलिमा कौन? अर्जुन की पत्नी। 4 साल पहले दोनों का डिवोर्स हुआ है। तो आपको ये क्यों लगता है कि नीलिमा अर्जुन को नुकसान पहुंचाना चाहेगी, वो भी 4 साल बाद? उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था अभी हाल फिलहाल? बड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि नीलिमा अर्जुन की जान लेना चाहेगी। पर पिछले कई महीनों से उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। झगड़े किस बात को लेकर होते थे? अर्जुन और नीलिमा के बेटे कुणाल की कस्टडी को लेकर। हेलो पापा। कुणाल बेटा, मैं आपको फोन करता हूँ। नीलिमा और अर्जुन की शादी 7 साल पहले हुई, 2012 में। लव मैरिज थी। 2 साल बाद कुणाल पैदा हुआ, फिर उसके बाद उनके बीच झगड़े होने लगे। 4 साल पहले नीलिमा कुणाल को लेकर घर छोड़कर चली गई। नीलिमा, नीलिमा तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। नीलिमा, मैं जा सकती नहीं, मैं जा रही हूँ, और कुणाल को भी साथ लेके जा रही हूँ। ऐसे मत कर बेटा, तू इस घर की बहू है, अर्जुन की पत्नी है, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता, मैं नहीं रह सकती। नीलिमा बात सुनो। दरअसल नीलिमा अर्जुन के साथ अलग रहना चाहती थी। उसे लगता था कि हम उसकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी कर रहे थे, लेकिन हमारा अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं था। और फिर एक दिन नीलिमा कुणाल को लेकर घर छोड़कर चली गई। वो हमारे बेटे को हमसे अलग नहीं कर सकी, पर पोते को छीन ले गई। अर्जुन कुणाल से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी कस्टडी के लिए अदालत में केस भी फाइल किया उसने। ये कस्टडी का केस कब किया था? यही हाल फिलहाल में, कुछ 6 महीने पहले। पर इतने सालों बाद क्यों? अर्जुन पहले अपने काम में सेट होना चाहता था, ताकि अदालत उसे मना न कर सके। तो आप लोगों को लगता है कि शायद कुणाल की कस्टडी की वजह से नीलिमा ने अर्जुन को मरवाया? मांडा जी, आपसे कुछ बात करनी। ऐसा कैसे हो सकता है अर्जुन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अर्जुन, उसके पापा मम्मी तो ठीक है ना? आपको वाकई में अर्जुन की इतनी फिक्र है? ये हमारे सामने नाटक कर रही है, क्योंकि आशा और अखिलेश लांबा जी ने तो कहा है कि आप उन्हें इतना नापसंद करती थी कि आपने अर्जुन को डिवोर्स दे दिया। हाँ, मैंने अर्जुन से डिवोर्स मांगा था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसके पापा मम्मी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। बस बहुत हो गया, हर बार तुम्हारा ये नाटक देख के ना मैं से सहा नहीं जाता अभी। बस नीलिमा, मम्मी पापा को क्यों बीच में घसीट रही हो? मैं किसी को नहीं घसीट रही हूँ। अर्जुन, क्या बात है? मैं आपको बताती हूँ, बताती क्या, इनफैक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, घर में बीवी है, बच्चा है, उसके बावजूद भी आपका लाडला बेटा बाहर मुंह मारने से बाज नहीं आता। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कई बार मैंने इसके फोन पे घटिया लड़कियों के मैसेजेस देखे। अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं चुप नहीं बैठूंगी बस। कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? ठीक है, गलती हो गई उससे, पर देखो बहू, घर की बात अगर घर में रहे ना तो ही अच्छा होता है। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका ये बेटा मुझे धोखा दे रहा है। देखो नीलिमा, तुम इस घर की बहू हो, उसके चलते तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर की, इस परिवार की गरिमा को बनाए रखना। अर्जुन जो भी करता हो, जहां भी जाता हो, लौट कर तो तुम्हारे पास ही आता है ना। मुझे नहीं पता था कि इस घर में रहने वाले लोगों की सोच इतनी घटिया है। अब तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, बहुत लिहाज कर लिया मैंने, 1 मिनट भी नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। मेरी और अर्जुन की लव मैरिज हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि अर्जुन ऐसा निकलेगा। जब अर्जुन ने कुणाल की कस्टडी लेने के लिए केस किया तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, आया था गुस्सा। इतने साल से मैं अपने बेटे कुणाल को संभाल रही हूँ, माँ और बाप दोनों का प्यार मैं दे रही हूँ, फिर अचानक 3 साल के बाद उसे अपने बेटे पे इतना प्यार कैसे आ गया? पहले तो नहीं आया था उसे, पहले तो वो कभी कभार ही मिलने आता था जब उसका मिलने का मन करता था। Yes! और ये आपका रिवॉर्ड, पापा के फोन पे सारी आइसक्रीम गिरा दी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे से मिलने आया था, आ नहीं सकता हूँ क्या? मैं कुणाल को लेकर जा रहा हूँ, आज रात को वापस ले आऊंगा। हमारा भी हक बनता है उस पे। उसके बाद जब भी अर्जुन कुणाल को अपने घर लेके जाता तब रात में देर हो गई ये बहाना करके कुणाल को वहीं रोक लेता था। अर्जुन कुणाल के लिए गिफ्ट्स लाने लगा। कुणाल बच्चा है, धीरे धीरे कुणाल को इन सब चीजों की आदत होने लगी और उसकी जिद बढ़ती ही चली गई। फिर अचानक 6 महीने पहले अर्जुन ने कस्टडी का केस कर दिया। आप बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और उसने मुझे धमकी भी दी कि वो पैसों के दम पे ये केस भी जीत जाएगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसे घर में पले बढ़े जिनकी सोच इतनी घटिया है। और आपने अपने बेटे को खोने के डर से अर्जुन को मरवा दिया? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, खुद कमाती हूँ, अपने बेटे को इतने सालों से संभाल भी रही हूँ और केस भी जीत जाती। मुझे अर्जुन का कोई डर नहीं था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कुणाल के माँ बाप पैसे वाले, तो हो सकता है आपको ये डर हो कि अर्जुन पैसा खिला विला के ये केस जीत जाता। आप ना जबरदस्ती मुझे इस केस में घसीट रहे। मैंने कुछ नहीं किया। उसके घर वालों ने आपको मेरे पीछे लगाने से पहले अपने घर में नहीं देखा? उन दोनों भाइयों की आज तक नहीं बनी। सुबोध भाई अर्जुन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे उससे। नीलिमा जी, आपने कुछ किया या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिना हमारी परमिशन के आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन पर हेलो लिसन, अभी ना पुलिस घर पर आई थी, तुम ऐसा करो सब कुछ बंद कर दो और कुछ टाइम के लिए शहर से गायब हो जाओ, ठीक है? चलो मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। सर ये अर्जुन के माँ बाप तो उसको श्रवण कुमार बता रहे थे, लेकिन उसकी एक्स वाइफ तो उसके अफेयर्स की डिटेल्स दे रही थी। बता रही थी लंबा फैमिली में काफी टेंशन थी दोनों भाइयों में। पड़ोसी से पता करो ये दोनों भाइयों वाली बात में कितनी सच्चाई है, और ये भी पता करो ये बड़ा भाई सुबोध वो गुजरात से लौटा या नहीं। ओके सर। पता नहीं सर, पर पिछले एक साल में जब से अर्जुन ने काम संभाला था उसका बड़ा भाई सुबोध उससे बहुत चिढ़ने लगा था। भाई रुको, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ अपने मम्मी पापा के पास जाओ, वैसे भी उनको तुम्हारे अलावा कोई दिखता नहीं। भाई भाई छोड़ो, बात सुनो ना भाई। तो क्या सुबोध अपने भाई की तरक्की से चलता था? पता नहीं पर लगता तो ऐसे ही था। और अर्जुन की एक्स वाइफ नीलिमा? वो लड़की तो बिल्कुल गलत थी, बहुत ही शक्की मिजाज की थी। नीलिमा को अपने सास ससुर के साथ रहना भी नहीं था। बेचारा अर्जुन कब तक ये सब बर्दाश्त करता? उमेश भाई, अगर अर्जुन नहीं होता तो मैं आपको इतनी रात को फोन करती क्या? मुझे कैसे भी करके अपना पार्लर बेचना है बस। मुझे पता है कि इस वक्त उसका दाम कम मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा मुझे चलेगा। आप प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताइए। हाँ पापा। बेटा तू अपना पार्लर बेच रही है, क्यों एकदम से क्या हुआ? एकदम से नहीं पापा, वो मैं काफी टाइम से सोच रही थी। दरअसल ना उस एरिया में पार्लर अच्छा चल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि वहाँ से बेचकर किसी और एरिया में खोल लेती हूँ। हाँ पर बताया नहीं तूने। अभी तो बस उमेश भाई से बात हुई है ना, मैं आपको बताने ही वाली थी। बेटा तुम परेशान दिख रही हो। पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, एकदम ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। सर अर्जुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, इसके मुताबिक अर्जुन के सर पे 3 से 4 बार वार किए और उसके बाद उसका गला काट दिया। कुमार कोई तो है जो अर्जुन से नफरत करता, इतनी ज्यादा नफरत कि वो चाहता ही नहीं था कि अर्जुन जिंदा बचे। सुबोध कहाँ है? पता नहीं आशा, कल से उसका फोन मिला रहा हूं। पुलिस को तो झूठ बोल दिया पर अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चला। रे सुबोध कहाँ थे तुम? कितने फोन कितने मैसेजेस किए, कुछ खबर है तुम्हें? सुबोध अर्जुन किसी ने अर्जुन हाँ पता चला। तुम पीकर अब तो होश में आ जाओ बेटा, इस तरफ पी पीकर अपनी जान दे दोगे क्या? चलो अर्जुन के मरने का कुछ तो फायदा हुआ, अब आप लोग मेरी परवाह तो कर रहे हैं। तुम दोनों मेरे लिए हमेशा बराबर रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम अर्जुन से इतनी नफरत क्यों करते हो कि उसके मरने के बाद भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा। देखा पापा, जब अपने पे बीतती है ना तब ये दुख दर्द सबका एहसास होता है। सुबोध मुझे सच सच बताओ,
पिछले दो दिनों से कहा था तू कहीं तेरे अर्जुन के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? साहब वो पुलिस आई है। सुबोध लांबा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम हमसे मिलने आए नहीं, तो हमने सोचा हम ही तुम्हें लेने आ जाएं। सुबोध, तुम्हारे पापा का कहना है कि तुम बिजनेस के सिलसिले में दो दिन के लिए गुजरात गए थे, तुम गुजरात में थे। अब जब मेरे पापा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और कुछ पूछना है आपको? हमने सुना कि अर्जुन और तुम्हारे बीच जमती नहीं थी। मेरी किसी के साथ नहीं जमती, न माँ से, न पापा से, और ना ही मेरे भाई अर्जुन से। लोगों का कहना है कि तुम अर्जुन से नफरत करते थे क्योंकि अर्जुन बिजनेस में तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था। क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास पुलिस वाले नहीं करते, बल्कि जो बकवास करता है ना उससे सीधी बात निकलवाते। तुम अर्जुन से नफरत करते थे क्योंकि बिजनेस में तुमसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल था, तुम्हारे पापा भी तुमसे ज्यादा अर्जुन पर ट्रस्ट करते थे। तुम्हें जलन तो होती होगी, बड़े भाई तुम और सारा बिजनेस संभालता था अर्जुन, इसलिए तुमने अर्जुन को रास्ते से हटा दिया क्योंकि अर्जुन के जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा, माँ बाप का प्यार, बिजनेस, सब कुछ। कहानी अच्छी बना लेते हो आप लोग, पुलिस वाले जो हो, कहानी बनाना, झूठे दावों को सच में बदलना आप लोगों का काम ही है। पर सर आप मुझे नहीं फंसा पाओगे, अगर मैं ये कह भी दूं कि मैं अर्जुन से नफरत करता था तो भी नहीं। सर आपको मेरे पापा के हैसियत का अंदाजा नहीं, वो किसी को भी खरीद सकते हैं, इसलिए वो मुझे जेल नहीं जाने देंगे। इसलिए आपका और मेरा वक्त जाया करना बंद कीजिए और जाके उस किलर को ढूंढिए जिसने अर्जुन का खून किया है। अब मैं जाऊं, लेकिन याद रखना अर्जुन के मर्डर से अगर तुम्हारा कुछ भी लेना देना हुआ तो तुम्हारी ये सारी गलतफहमियां एक सेकंड में दूर हो जाएंगी। दिशा, ये पार्लर मैंने ही तुम्हें दिलवाया था, जानता हूँ कितनी खुश थी तुम, फिर क्यों इतने हड़बड़ी में इतने कम पैसों में इसे बेच रही हो? दरअसल मैं और पापा गुरुग्राम से शिफ्ट हो रहे हैं, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। थैंक यू। सर हमने पता किया, अर्जुन का मर्डर जिस रोड पर हुआ था वो बैक रोड है, जंगल के पास, वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मतलब अर्जुन के कातिल ने सोच समझ के ऐसी जगह चुनी जहाँ उसके पकड़े जाने का कोई चांस ना हो। राइट सर। सर ये अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स है। अर्जुन को आखिरी कॉल नीलिमा का आया था। हेलो पापा। कुणाल बेटा मैं आपको फोन करता हूँ वापस। नीलिमा उसकी एक्स वाइफ? हाँ सर, जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उनके बेटे कुणाल को अर्जुन से बात करनी थी इसलिए कॉल किया था। इस नीलिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, सालों की खटास थी, हो सकता है जहर में तब्दील हो गई। अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स में पता चला है कि ये किसी पल्लवी गुप्ता के साथ रेगुलर टच में था। इनफैक्ट जिस दिन अर्जुन का मर्डर हुआ यानी 12 जुलाई को, उस दिन भी इन दोनों की बात हुई थी। शाम 3 बजे से 5 बजे तक अर्जुन का सेलफोन लोकेशन पल्लवी के घर का एरिया ही था। ये पल्लवी यहाँ गुरुग्राम में सेक्टर 36 में रहती है, नियति अपार्टमेंट्स में। पल्लवी गुप्ता? अब ये पल्लवी गुप्ता कौन है? अर्जुन के घर वालों ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सर पल्लवी का फोन ट्राई किया था लेकिन स्विच ऑफ जा रहा। ये पल्लवी गुप्ता यहीं रहती है? हाँ सर। कुछ बता सकती है वो कहाँ गई है? नहीं सर मुझे नहीं पता। कभी इसे देखा है पल्लवी के घर आते जाते? ये तो अर्जुन है, पल्लवी का पति, ये तो यहीं रहता है। पति? अर्जुन का 3 रात पहले मर्डर हो गया, हमें पल्लवी से बात करनी थी। क्या अर्जुन का मर्डर? आप पल्लवी और अर्जुन को कब से जानते हैं? पिछले 5 महीनों से, जब से ये दोनों यहाँ इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। और आखिरी बार आपने अर्जुन को कब देखा था? 3 दिन पहले। वैसे मैं ताका झाकी नहीं करती लेकिन उस दिन काफी लंबी लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में और अर्जुन काफी गुस्से में निकला था घर से। अरे यार कहां की बात कहां लेके जा रही हो यार? मैं घर जा रहा हूँ, अपना दिमाग शांत कर लेना तब बात करेंगे। अर्जुन रुको, मेरे पास तुम्हारी बेकार की बातों के लिए ना टाइम नहीं है। एक तो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हारे बेतुके सवाल है। सच सच बताओ तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हो? बस यार तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो मैं समझ रही हूँ वो सच निकला ना तो बहुत पछताओगे तुम। मुझे लगा था आम कहा सुनी है हस्बैंड वाइफ के बीच में, पर आप बोल रहे हैं कि उसी रात अर्जुन का मर्डर हो गया, ये सुनकर अजीब लग रहा है सर।
तुम कौन हो? मैं पल्लवी, मैं अर्जुन की पत्नी। ये लड़की झूठ बोल रही है, अर्जुन ने कभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ये जबरदस्ती मेरे अर्जुन का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। मेरा अर्जुन हमें बिना बताए कभी शादी नहीं कर सकता। सर मैं सच बोल रही हूँ, अर्जुन और मेरी शादी हुई है 5 महीने पहले, 3 फरवरी 2019 को। तुम हमारे बेटे की मौत का फायदा उठा रही हो, अर्जुन की पत्नी होने के नाम पर उसकी प्रॉपर्टी पर हक जमाने के लिए शादी की झूठी कहानी बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, अर्जुन और मैं प्यार करते थे एक दूसरे से, इसलिए हमने शादी की। और पूजा वाले दिन अर्जुन आपको सब कुछ बताने ही वाला था हमारे रिश्ते के बारे में, पर सुबोध भाई की बात की वजह से कुछ नहीं कह पाया। पल्लवी, हम तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा फोन बंद क्यों था? सर मेरा अर्जुन के साथ झगड़ा हुआ था। हाय बेबी, आई एम मिसिंग यू। तुम घर से कब निकल रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ, घर जा रहा हूँ। अब तक तो सुबोध भाई का नशा भी उतर गया होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा घर में। सच सच क्यों नहीं कहते कि किसी किरण से मिलने जा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। अभी तुम्हारी किरण का फोन आया था, बोल रही थी मिस कर रही है तुम्हें और पूछ रही थी घर से कब निकल रहे हो। मेरी आवाज सुनते ही तो उसने फोन काट दिया। किरण, किरण मेरी दोस्त है यार। दोस्त है? बेबी बुला रही थी तुम्हें। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है। ये मत सोचना कि मुझे धोखा देके तुम खुद बच जाओगे अर्जुन। अरे यार, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो पल्लवी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे, तुम अपना दिमाग शांत करो, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, हम अभी बात करेंगे। अरे नहीं बात। सर उसके जाने के बाद मैंने उसके फोन का वेट किया, पर जब कुछ नहीं आया तो मैंने इरिटेट होकर फोन बंद कर दिया। आज सुबह जब मैंने फोन ऑन किया तो मेरी फ्रेंड का कंडोलेंस मैसेज आया था सर। तो 12 जुलाई की दोपहर के बाद तुम्हारी अर्जुन से कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, कोई बात नहीं हुई। पल्लवी, तुम झूठ बोल रही हो। पल्लवी, ये है तुम्हारे और अर्जुन के फोन के कॉल्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक 12 जुलाई की रात को अर्जुन के मर्डर से ठीक पहले तुम दोनों की लोकेशन एक ही थी, मंसूर मार्केट सेक्टर 59। कहानी बिल्कुल सीधी है। तुम्हें लग रहा था कि अर्जुन तुम्हें धोखा दे रहे, तुम और अर्जुन मिले, तुम दोनों में बात हुई, बात झगड़े में बढ़ गई, तुम्हें गुस्सा आया और तुमने गुस्से में अर्जुन को मार दिया। नहीं सर, मैंने अर्जुन को नहीं मारा। सर मुझे शक था कि अर्जुन मुझसे झूठ बोल रहा है, मैं सिर्फ किरण को अपनी आंखों से देखना चाहती थी सर, बस। पल्लवी, अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स में 12 जुलाई या उसके पहले और उसके बाद कभी किसी किरण ने फोन नहीं किया, यहाँ तक कि उसके कॉल डिटेल्स में भी कोई किरण नहीं है। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने खुद किरण का फोन उठाया था। सर मैं मानती हूँ कि मैं मंसूर मार्केट गई थी। जब किरण का फोन आया था तो उसने एक और बात बोली थी। हाय बेबी, आई एम मिसिंग यू। मैं घर से अराउंड 7 बजे होटल शाइनिंग मून पहुंच जाऊंगी। तुम घर से कब निकल रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? जब मैंने अर्जुन से इस बारे में पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि होटल शाइनिंग मून जो कि मंसूर मार्केट में है उसके बारे में मैं जानती हूँ, क्योंकि सर अगर मैं उसे बता देती तो वो अपनी जगह चेंज कर लेते और मैं अर्जुन को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैं भी उस रात वहीं पहुंच गई। तो मैं वहां किरण मिली? आराम से तो घर नहीं जाना। हाँ ठीक है, पहले वहां चलो। तुम क्यों आए हो इधर? बात करते ना। नहीं सर, मुझे वहां अर्जुन के साथ कोई किरण नहीं मिली, वो सुबोध भाई के साथ थे, वो लोग किसी बात पर लड़ रहे थे। पर आप लोगों ने तो कहा था कि सुबोध उसी शाम को गुजरात निकल गया था। ये लड़की झूठ बोल रही है सर, सुबोध गुजरात में ही था, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं गुरुग्राम में नहीं था, मेरे पापा ने आपसे झूठ बोला, आप उन पे इल्जाम लगाइए ना। तुम्हारे पापा का कहना है कि वो तुम्हें बचाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि तुम फंस जाओगे क्योंकि तुम्हारा और अर्जुन का अक्सर झगड़ा होता था। सही कहा उन्होंने, मुझे अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। उस रात होटल शाइनिंग मून में तुम और अर्जुन लड़ क्यों रहे थे? मैं उस होटल में पीने के लिए गया था, पता नहीं है अर्जुन ने कैसे मुझे देख लिया और फिर शुरू हो गया इज्जत खानदान वगैरह वगैरह, बस इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद मैं किसी को बिना बताए हमारे छतरपुर वाले फार्म हाउस पे चला गया था, पता नहीं मेरा फोन भी कैसे ऑफ हो गया था।
नेक्स्ट डे जब मेरी आंख खुली तब मैंने फोन ऑन किया और तब मुझे अर्जुन के बारे में पता चला। या फिर तुम दोनों भाइयों में झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया। तुम पहले से नशे में थे, उसी नशे की हालत में तुम फार्म हाउस से बाहर निकले, तुमने अर्जुन का पीछा किया, अर्जुन को सुनसान सड़क पर देखकर तुम दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और तुमने अर्जुन का मर्डर कर दिया। उसके बाद तुम वापस फार्म हाउस पर आ गए। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर साबित कीजिए ना। नहीं, मुझसे और नहीं हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ना मैं यहाँ रह पा रही हूँ ना यहाँ से निकल पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे बस यहाँ से निकलना है। कुछ भी कर लो तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे? अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना तुम, उनके आरती पे रोने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन के मर्डर का केस दिन ब दिन और भी उलझता जा रहा था। आखिर उसे किसने मारा था? कुणाल की वजह से नीलिमा ने, या फिर शक की वजह से पल्लवी ने, या फिर इन सब के पीछे सुबोध था जो खुलेआम अर्जुन से नफरत करने का दावा कर रहा था? और इस सबसे अलग सुबोध और दिशा के बीच क्या चल रहा था? क्या दिशा का अर्जुन की मौत से कोई रिश्ता था, या फिर ये कहानी ही दूसरी थी? सवाल कई थे लेकिन जवाब अब भी नजर नहीं आए थे। सर, एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया नीलिमा के बारे में। सर, नीलिमा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो पिछले 3 महीने से किसी सुनील सिंह नाम के बंदे के साथ रेगुलर टच में थी। इतना ही नहीं सर, 2 हफ्ते पहले सुनील सिंह के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए गए थे। 2 लाख? हाँ सर। और सर, पिछले कुछ दिनों से अर्जुन के फोन की लोकेशन सुनील सिंह के फोन की लोकेशन से बार बार मैच हो रही है, और अर्जुन की मौत के अगले ही दिन से इसका फोन भी स्विच ऑफ। 12 जुलाई, जिस दिन अर्जुन का मर्डर हुआ उस दिन भी लोकेशन सेम थी? नहीं सर, लेकिन हो सकता है कि ये प्लानिंग हो, वो अपना फोन घर पर छोड़ कर गया। खबरों को काम पे लगाओ, लेकिन ये सुनील सिंह को हाजिर करो। ओके सर। सर, ये अर्जुन और पल्लवी की शादी की फोटो, दोनों की शादी मंदिर में हुई थी, 2 दोस्तों ने अटेंड भी किया था, मैंने दोनों से कंफर्म किया। सर, नियति अपार्टमेंट के फ्लैट अग्रीमेंट में भी यही लिखा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ, इनफैक्ट अर्जुन के बैंक अकाउंट से ही फ्लैट का किराया भी जाता। और पल्लवी ने जिस किरण का जिक्र किया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, अर्जुन के पिछले 6 महीने के CDR चेक किया, उसमें तो कोई किरण नहीं मिली। लगता तो नहीं है कि पल्लवी झूठ बोल रही है, CDR में कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता? सर, दिल्ली कांति विहार पुलिस स्टेशन से कॉन्स्टेबल सतीश चौधरी का फोन आया, वहाँ किसने अर्जुन लांबा के नाम की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई है। अर्जुन लांबा की मिसिंग कंप्लेन, बात करो। हाँ सतीश बोलो। अर्जुन लांबा मिसिंग केस की एक कंप्लेन आई है। ये मिसिंग कंप्लेन दर्ज किसने करवाई? कंप्लेन किरण मखेजा ने किया है, उसका कहना है कि अर्जुन लांबा की पत्नी है। तो आप अर्जुन लांबा की पत्नी है? जी सर, मेरा नाम किरण मखेजा है, मैं दिल्ली में रोहिणी में रहती हूँ अपनी माँ के साथ, और अर्जुन के साथ करीब 1 साल से साथ हूँ, और अभी हम लोग ने 2 महीने पहले छुपकर शादी कर ली। छुपकर शादी क्यों की? सर, अर्जुन चाहता था कि वो अपने काम में सेटल हो जाएगा, फिर मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लेगा, पर सर मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम शादी की बात अभी किसी को नहीं बताएंगे। पर सर, 3 दिन हो गए और अर्जुन से बात नहीं हो पा रही है मेरी। आप अर्जुन से आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? 12 जुलाई की रात होटल शाइनिंग मून में हमने साथ में डिनर किया था, फिर वहाँ से मैं दिल्ली वापस आ गई, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई। पर सर, आप लोग इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 12 जुलाई को अर्जुन के फ़ोन पर दिन में आपने कॉल किया था, दूसरी तरफ से किसी फीमेल ने फ़ोन उठाया था? हाँ, शायद उसकी माँ ने फ़ोन उठाया था, इसलिए मैंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। हमें अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर नहीं मिला, तो क्या अर्जुन आपसे किसी दूसरे नंबर से बात करता था? हाँ सर, अर्जुन के पास 2 नंबर है, मैं एक ही नंबर पर कॉल करती थी। सर, अब तो मुझे बताइए कि अर्जुन कहाँ है, आप लोग को मिला क्या? 12 जुलाई को अर्जुन का मर्डर हो गया। ये अर्जुन लांबा काफी बड़ा खिलाड़ी था, एक्स वाइफ नीलिमा, दिल्ली में एक वाइफ किरण,
प्रोग्राम में एक वाइफ पल्लवी और इनके अलावा इसके दूसरे सिम के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे कई लड़कियों के नंबर हैं जिनसे इसकी रेगुलर बात होती रहती थी। एक फ़ोन में दो सिम रख के लड़कियों को घुमा रहा था, झूठे वादे कर रहा था, तो हो सकता है इन लड़कियों में से किसी को अर्जुन के झूठ का पता चल गया और मार दिया अर्जुन को। हाँ बोल। 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 हाँ सर, दिलीप जी ने मुझे पैसे दिए थे वो अर्जुन। अर्जुन को मारने के लिए? आपने अर्जुन की तस्वीर सुनील सिंह को दी और उसे कहा कि अर्जुन पर नजर रखे और इस काम के लिए सुनील को 2,00,000 रुपए दिए। हाँ, मैंने सुनील को पैसे दिए थे क्योंकि पिछले 6 महीने से अर्जुन मेरे बेटे कुणाल की कस्टडी लेने के पीछे पड़ा हुआ था। आपसे आपका बेटा छिन जाता इसी डर की वजह से आपने अर्जुन को मरवा दिया? जी नहीं, मैंने अर्जुन को नहीं मरवाया है और मैं सुनील को बचपन से जानती हूँ, इसलिए मैंने सुनील से मदद मांगी कि वो अर्जुन का पीछा करे और उसके अफेयर्स की फोटो मुझे सेंड करे। कोर्ट में अपना केस स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे अर्जुन के खिलाफ सबूत चाहिए थे। अगर आप सच कह रही हैं तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई और सुनील सिंह को भाग जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं अर्जुन के पापा मम्मी को अच्छे से जानती हूँ, अगर उन्हें ये बात पता चलती तो ये बात वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। सर, हमने शाइनिंग मून होटल के पास वाले सिग्नल्स की सीसीटीवी फुटेज चेक की 12 जुलाई की रात की, उसमें एक अजीब बात सामने आई। ये देखिए सर, ये स्कूटर अर्जुन की कार के ठीक पीछे 3 अलग-अलग सिग्नल्स पे आकर रुका है। यहाँ तक कि अर्जुन ने जिस आखिरी सिग्नल से राइट लिया वो बैक रोड वाली लेन में जाने के लिए, वहां पर भी ये स्कूटर उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुकी और इसने भी गाड़ी के पीछे पीछे राइट लिया। चंदवान आटी हो गया सर स्कूटी की डिटेल्स निकलवाने की। जो भी स्कूटर का ऑनर है उसका अर्जुन के कत्ल से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, पक्का। ये आप हैं? जी हाँ। अनौर जी, आप इस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? सर, मैं भला इस गाड़ी का पीछा क्यों करने लगा? ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा था। अनौर जी, पिछले 3 ट्रैफिक सिग्नल से आप इस गाड़ी के पीछे हैं। सर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने घर जा रहा था। सर, अब ये मनोहर कहाँ से बीच में आ गया? मुझे तो लग रहा है ये वाकई में इत्तेफाक है। हो सकता है कुमार, क्योंकि अर्जुन को मारने का मोटिव उसके बड़े भाई सुबोध, पल्लवी, किरण, नीलिमा सबके पास है, लेकिन ये मनोहर, इनका तो अर्जुन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, पर फिर भी इतना बड़ा इत्तेफाक क्या सच में हो सकता है? सर, अर्जुन लांबा के खिलाफ बंसली थाने में एक केस दर्ज है। क्या केस? सर, आज से कुछ 1.25 साल पहले इस अर्जुन लांबा के खिलाफ रेप की कंप्लेंट फाइल की गई थी। रेप केस? किसने फाइल किया था? दिशा कसाना, इसकी वाइफ थी। इस अर्जुन का कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ अपने माँ बाप का एक आज्ञाकारी बेटा, दूसरी तरफ इतना रंगीन मिजाजी और अब ये रेप केस, और केस करने वाली कौन? दिशा कसाना। और सर ये देखिए, इसके बाप का नाम क्या है? मनोहर कसाना। ये दिशा कसाना के फादर मनोहर कसाना 3-3 सिग्नल क्रॉस करके अर्जुन की कार का पीछा कर रहे और अब ये कंप्लेंट। नो कुमार, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, मुझे कुछ नहीं पता। मनोहर कसाना और दिशा कसाना दोनों को थाने बुलाओ तुरंत। सर, दिशा तो नहीं आ सकती। क्यों? मनोहर जी, सच क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो बेहतर यही होगा डिटेल्स आप खुद बता दें। मेरी बीवी के गुजरने के बाद मैं और मेरी बेटी दिशा, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, हम खुश थे हमारी छोटी सी दुनिया में, लेकिन ये अर्जुन मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रहण बनकर आया। शुरुआत में उसने मेरी बेटी के साथ दोस्ती करके उसे पाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका हर एक पैंतरा नाकामयाब रहा तो उसने एक घिनौनी चाल चली। प्लीज आइए आइए। अर्जुन, आप तो कह रहे थे आपकी बहनों को मेहंदी लगवानी है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप प्लीज 2 मिनट बैठिए, वो आने वाले हैं। आप कुछ लेंगे? चाय? नहीं 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 नहीं, थैंक यू, आई एम गुड। जूस जूस चलेगा एटलीस्ट? ओके। मैं लेके आता हूँ।
बेहोश करके उसने मेरी बेटी का रेप किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा कि उसके साथ शादी कर ले, वरना मेरी बेटी की अश्लील फोटो वो इंटरनेट पे डाल देता। अर्जुन के दबाव में आकर उसने शादी भी कर ली थी, ये बात मुझे उस दिन पता चली थी। मैंने अर्जुन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दाखिल कर दी, पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। हम दोनों इस हादसे को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते थे और अर्जुन और उसके परिवार वाले हमारी मुश्किलों को बढ़ाने पर तुले हुए थे। सर, उन लोगों ने दिशा के ऊपर अर्जुन लांबा पर गलत आरोप लगाकर उसकी बदनामी करने के लिए मानहानि का केस कर दिया। उनका दावा था कि दिशा ने रेप का झूठा आरोप लगाया था सर, जबकि अर्जुन ने उससे शादी की थी। और फिर अर्जुन के भाई सुबोध ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। हमने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी किया, लेकिन बार बार यही बात आती रही कि अर्जुन तो उस वक्त शहर में था ही नहीं, क्योंकि दिशा को डराने धमकाने का काम सुबोध किया करता था ताकि अर्जुन के ऊपर कुछ ना आए। पर पुलिस भी हमारी बात नहीं मान रही। मेरे भाई के खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट लिखवाई है वो वापस लोगी या नहीं? दिशा इतना डर गई थी कि उसे घर से बाहर भी नहीं जाना था, यहाँ तक कि उसने अपना पार्लर भी बंद कर दिया। वो बार बार उस पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन दिशा ने मना कर दिया। दिशा को यह केस साबित करना था ताकि वो इस शादी से कानूनी तौर पे बाहर निकल सके। अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना तुम, उनके अर्थी पे रोने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। पुलिस स्टेशन जाके मैं बात करता हूँ। ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला कि एक दिन पहले ही दिशा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। दिशा, दिशा तुमने कंप्लेंट वापस क्यों ली? दिशा, अरे दिशा तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो, कमाल है। इतने से वक्त में बहुत कुछ देख लिया था मेरी बच्ची ने, पुलिस स्टेशन के चक्कर, उनके सवालों के जवाब, सुबोध और अर्जुन की धमकियां, फिर वो आखिरी धमकी। उससे तो वो बिल्कुल डर गई थी, शायद वो लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर मैंने उसकी मैसेजेस पढ़े तब मुझे मालूम पड़ा कि उसने मुझे बचाने के लिए, इस सबसे दूर जाने के लिए अपनी जान दे दी। और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आपने अर्जुन को मार दिया। दिशा की मौत वाले दिन ही मैंने कसम खाई थी कि अर्जुन को उसके किए की सजा मैं खुद दूंगा। इसलिए दिशा की मौत के ठीक एक साल बाद 12 जुलाई को मैंने अर्जुन को मारने का प्लान बना लिया। पूरे एक साल तक मैंने अर्जुन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। मुझे पता था कि रात 9 और 1 के बीच में अर्जुन उस बैक रोड से अपने घर जाता है। उस वक्त उस रोड पर कोई नहीं होता। अरे बेवकूफ, क्या मजा के? मैंने अर्जुन को मार दिया, उसका फोन तोड़ा और पानी में फेंक दिया। सर, अर्जुन को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। सुबोध के खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे ही, और अर्जुन ने जो आपकी बेटी दिशा के साथ किया वो गलत था, सरासर गलत। ये सच है कि जिन हालात से आप गुजरे हैं, जो तकलीफ आपको हुई है, उसका एहसास सिर्फ आपको ही हो सकता है। लेकिन मनोहर जी, सच ये भी है कि मुजरिम को सजा देने का काम कानून का है, आपका नहीं। कानून को अपने हाथ में लेकर आप भी कानून के मुजरिम बन गए। मैं उस मनोहर को नहीं छोड़ूंगा, उसे फांसी दिलवा कर ही रहूंगा। उसने मेरे अर्जुन को अगर के खून के जिम्मेदार मनोहर जी नहीं, आप है पापा, और सिर्फ आप नहीं, मां तुम भी हो, मैं भी हूं। सुबोध, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस दिन हमें अर्जुन के घटिया हरकतों के बारे में पता चला, उसी दिन उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, पर हमने क्या किया, उसकी घटिया हरकतों पर पर्दा डालते रहे। आज नीलिमा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जो वो कुणाल को हमसे दूर रखना चाहती है, वरना बड़ा होकर कुणाल भी अर्जुन की तरह ही बन जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता अब दोनों को नींद कैसे आती है। मुझे तो सोते जागते बस दिशा का डरा हुआ चेहरा ही नजर आता है, पीने के बाद भी कुछ नहीं होता। हम अर्जुन को बचा सकते थे, दिशा को भी बचा सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया। शायद हमारी यही सजा है कि हम इसी गिल्ट में
जिंदगी भर जीते रहे। कानून को अपने हाथों में लेकर किसी को उसके किए अपराध की सजा देना गलत है। अपराधी को सजा देने का हक सिर्फ कानून और अदालत का है। अर्जुन दोषी था, उसने दिशा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से आखिर में दिशा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन मनोहर का अर्जुन की हत्या करने का फैसला बिल्कुल गलत था। अगर समाज के सभी लोग इस तरह खुद ही अपराधी को सजा देने लगेंगे तो पूरी दुनिया में अराजकता फैलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब रुक कर एक बार अपने आप पर गौर करें, ताकि आगे चलकर हम किसी ऐसी विचारधारा का समर्थन ना करें जो ना कि सिर्फ गलत है पर जिसके कारण समाज का पतन निश्चित है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी सोमवार रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।